आज मैं आपको बताऊंगा माइनक्राफ्ट की ऐसी चीजें जो होती तो है लेकिन किसी ने देखी नहीं। भूतों का संसार, सच्चा वाला प्यार और बख्तर सिंह की रफ्तार। यार अक्षय पाजी बीच में आके सारा इंट्रो खराब कर दिया। ओके, इंट्रो नंबर 2। माइनक्राफ्ट की 5 ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल पता नहीं होगी। वैसे मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं तो गेमिंग वीडियो बनाता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी एक्स्ट्रा चीजें ट्राई कर लेनी चाहिए। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप मेरे और अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हो तो। वैसे मेरे वीडियो अमेजिंग होते हैं क्या? नहीं। हसते चेहरिया का मतलब यह नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब यह होता कि उन्होंने तकलीफों से डील करना होता है। बिल्कुल सही। ओवर एक्टिंग कुछ ज्यादा ही हो गई, अब वीडियो को चालू करते हैं। नंबर 1, अगर कभी आप ऐसे अजीब से जंगल जो भी बोलते हैं इसको इससे जा रहे हो और आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है मॉसी कोबलस्टोन का, तो आप क्या करोगे? यहाँ से आगे चल दोगे? पर ऐसा मत करना। मगर क्यों? क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर प्लस शेप में हुआ और अगर आपने इसका बीच वाला ब्लॉक तोड़ा, लगभग 3-4 ब्लॉक तोड़े और फिर आप नीचे जाओगे तो सीधा, अरे मेरे कहने का मतलब है नीचे पानी होगा और पानी के पास में एक ही रास्ता होगा, आपको वहां से नीचे जाना है। थोड़ा सा डरना नहीं है, कोई मॉब वॉब आएगा नहीं, उजाला रहता है। तो यहाँ पे आपको 2 फेचिंग टेबल और 1 चेस्ट मिलेगा और इस चेस्ट के अंदर है गोल्डन एप्पल और डायमंड। गोल्डन एप्पल का 12.941% चांस है। स्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा कॉमन, तो इसको अभी जाके ट्राई करो जल्दी। नंबर 2, कभी आप केव्स एंड क्लिफ्स के ऐसे पहाड़ियों में जा रहे हो और बीच में इग्लू मिल जाए तो उसको मिस मत करना, क्योंकि इग्लू के अंदर, मेरा मतलब कुछ इग्लू के अंदर नीचे जाने का रास्ता होता है, ये तो सबको पता है। लेकिन यहाँ पे 2 विलेजर्स होते हैं, ये भी सबको पता है, एक जॉम्बी होता है और एक नॉर्मल होता है। और साइड में एक चेस्ट होती है, इसके अंदर एक सिंपल सी गोल्डन एप्पल होती है और यहाँ पे पोर्शन ऑफ वीकनेस होता है, हमें इसके ऊपर ये डालना पड़ता है, इसको गोल्डन एप्पल देनी पड़ती है, फिर इसके क्योर होने का इंतजार। अरे क्योर तो नहीं हो रहा है, एक काम करता हूँ इसको मार के नॉर्मल विलेजर खड़ा कर देता हूँ। ओ हो गया। हाँ तो वीडियो चालू करते हैं। जब ये नॉर्मल हो जाए तो आप इसे ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसके ट्रेड करने के लिए चाहिए होते हैं हमें थोड़े बहुत एमराल्ड, और वो तुम जेब में रखने वाले तो हो नहीं, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन? सिंपली आपको साइड वाला रेड वाला कारपेट तोड़ना है और गैस वॉट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 8 एमराल्ड के ब्लॉक, नीचे जाएंगे तो फिर मिल जाएंगे, ये देखो 8 हो गए, गिन लो पीछे करके, पूरे 64 से भी ज्यादा हो जाते हैं तो फिर बहुत, मतलब देख लो वैल्यू कितनी सारी है। तो अब नेक्स्ट वाली ट्रिक से चुटकी बजाते ही डायमंड ढूंढ लोगे। पहाड़ से बहते हुए लावा के टुकड़े आपका क्या कर लेंगे? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? जब आप लावा बहता हुआ देखते हो तो आप क्या करते हो? वहाँ से निकल जाते हो, लेकिन रुको जरा, ये लावा जहाँ पे खत्म हो रहा है आपको उस जगह को मार्क कर लेना है और फिर उस जगह को नीचे से डिग करना है, पहले लावा सूख जाए तो फिर अब नीचे डिग करते हैं। लगभग आपको जाना है 5 या 6 कोऑर्डिनेट पर, तो मैं अभी 6 पे आ चुका हूँ और गैस वॉट यहाँ पे आ गए हैं, आपके पास डायमंड, मतलब डायमंड नहीं है, आप डायमंड के पास आ गए लगभग पूरे 10 ब्लॉक। तो ये ट्रिक 100% काम करती है, बस लावा का लास्ट वाला पार्ट ढूंढना है आपको। जब आप एक नेदर पोर्टल बना के नेदर में जाते हो एंशिएंट डेब्री ढूंढने के लिए, तो ये ट्रिक बहुत ज्यादा काम आएगी आपको। आपको नेदर में इन कोऑर्डिनेट्स पे आना है -218, -82 और -125, चाहे आपकी सीड कोई सी भी हो, वर्ल्ड कोई सा भी हो, बस आपको यहाँ पे आ जाना है। इस कोऑर्डिनेट का पहला एडवांटेज है नीचे कभी भी लावा नहीं होगा, प्लस यहाँ एंशिएंट डेब्रीज भी होगा। पहले 4 वर्ल्ड में तो मिल गया, पता नहीं क्यों अभी नहीं मिल रहा, भाई मिल भी गया, ये तो सच में काम कर दिया, ट्रिक बहुत ज्यादा काम आएगी आपके, जरूर ट्राई करना इसको। अगर आपको भी कोई चंदन वाला अकेशिया विलेज मिलता है तो बस आपके तो मजे मजे। और अगर इस विलेज में एक वेल है जो कि हर विलेज में होती है तो बस आपकी लॉटरी लग गई। आपको सबसे पहले इसकी बीच वाली लकड़ी तोड़नी है, मेरे ब्राउन कलर की, हर बार तो रेड की आई थी, इस बार ब्राउन की है, यार ये हवा में क्यों लटक रहा है भाई? तो फिर आपको इसका नेक्स्ट वाला जो स्टेप है, आपको ये सारा पानी हटा देना है बीच का, एकदम पूरी तरह सुखा देना है। अब आपको ये बीच वाली लकड़ी तोड़ देनी है और फिर इसके वेल के ऊपर जाना है। इसके बाद आपको ऊपर जाने के बाद ईस्ट में देखना है, फिर वेस्ट में, फिर नॉर्थ में और साउथ की तरफ देख के नीचे कूदी लगा देना, साउथ की तरफ ही देखना वरना गड़बड़ हो जाएगी, नीचे रहेगी एक स्लाइमर, आपको आगे वाला बटन दबा देना है जिससे आपको एक मिलेगा जूक बॉक्स और एक सीडी जिस पे लिखा होगा 1 अप्रैल। सीडी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, सबसे पहले सीडी ले लेनी है और फिर इसको इसके अंदर लगा देना है जूक बॉक्स में, और ये कुछ ऐसे आवाज करेगी, पहले मैं लगा दूं 1 मिनट। हाँ तो सुनो, तो गाइस हैप्पी अप्रैल फूल। भाई आज तो 7 तारीख है। हाँ तो देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, देखो मैंने ये लगभग 30 तारीख को वीडियो बनाया था, 30 मार्च को, और अब एडिट होता होता एग्जाम में, मतलब
समझ रहे हो ना तुम, तो टाइम लग जाता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो मैंने बताया वो सब ट्राई बिल्कुल मत करना, टाइम वेस्ट होगा। अच्छा जाके पढ़ो और पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग ब्रो। बनाया तो उनको।